चलो अब अपन क्या देखते हैं, मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, मार्जिन बेसिकली और पैडिंग क्या होता है पहले ये समझा देता हूँ। सपोज ये आपका कोई वेबसाइट का लेआउट है, इसमें आपने एक अंदर एक डिव बनाया है, ठीक है, उसको आप, और ये जो बाहर वाला डिस्टेंस है ये आपकी बॉडी है, या आप इसको ब्राउज़र का साइट बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी ब्राउज़र की डिस्टेंस है, जैसे कि अपन क्रोम खोलें तो यहाँ से है ना, ये जो होती है डिस्टेंस टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से, ये सब मार्जिन कहलाती है। ठीक है, जो आप किसी ब्राउज़र के आउटर स्पेस से आप डिस्टेंस देते हो, या आप बोल सकते हैं कि बॉडी से आप डिस्टेंस दे रहे हो। ठीक है, और जो अंदर की साइड होती है वो होती है पैडिंग, यानी आपने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा और आपने उसको पैडिंग दिया है कि पैडिंग इतना होना चाहिए, लेफ्ट से इतना होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली इससे डिस्टेंस लेगा, ना कि इससे, है ना। और अगर इसी डिव को, ये जो डिव है इसको मार्जिन दोगे तो ये यहाँ से डिस्टेंस लेगा, इसको पैडिंग दोगे तो ये अंदर की साइड डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, अभी प्रैक्टिकल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। मार्जिन लिखते हैं, इसमें टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, इस तरीके से चलता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी दे सकते हो, मार्जिन ओनली, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, या फिर मार्जिन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट के लिए सबके लिए एक जैसा। पैडिंग में भी सेम रहता है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, और ये ऑल साइड्स। इसमें आप अलग अलग भी बता सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मार्जिन पर्टिकुलरली टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। ठीक है, और सब में आप कुछ ना कुछ पिक्सल्स की डिस्टेंस दे सकते हो या परसेंटेज में दे सकते हो, जितना भी आपको देना हो, है ना। सेम इसमें यूज़ होता है, सिर्फ इसमें मार्जिन की जगह क्या लिख दोगे, पैडिंग। और क्या डिफरेंस है, ये अंदर की साइड काम करेगा और ये बाहर की साइड काम करेगा। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने एक डिव बनाया जिसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, हेडर, सेव किया, यहाँ पे इंटरनल सीएसएस लिखा, आईडी क्या है, हैश हेडर। इसकी विड्थ जो मैंने डिफाइन की है वो मैंने दे दी 100% विड्थ फुल पे, और हाइट सपोज 100 नहीं देता, मैं 80 दे रहा हूँ, और हाइट दे दी 100 पिक्सल, एक बॉर्डर लगा दी 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ये नहीं है दिस वन। ठीक है, तो ये आके देखो 80% वेट लिया, टोटल 100% है। परसेंटेज में देने का क्या मतलब होता है, परसेंटेज मतलब अगर मैं विंडो को छोटा करता हूँ तो ये साइज़ भी इसके लिए 100% है और इसमें से ये 80 ले रहा है, इतना और छोटा कर दूंगा तो ये भी 100 है उसमें से 80 ले रहा है, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, ये साइज 100, सबको 100 मान के चलता है वो। लेकिन अगर आप पिक्सल में देते तो ये फिक्स हो जाता है ना, जैसे सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 800 पिक्सल दे दिए, ऐसा सेव किया। अब देखो मैं जब इसको छोटा करूँगा तो उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रही, उसको मुझे पूरा देखना पड़ रहा है ऐसे नीचे स्क्रॉल करके। तो ये होता है परसेंटेज में और पिक्सल में डिफरेंस, इसलिए आप विड्थ को हमेशा परसेंटेज में दो, ज़्यादा बेटर है, ये क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिव है ना ये थोड़ा सा खसक जाए, इधर आ जाए या बीच में आ जाए, तो आप क्या करोगे, इस डिव को क्या दोगे। सपोज मैंने लिखा मार्जिन, अभी मैंने सब 0 0 लिख के रखा है, चलेगा क्या, कुछ नहीं हो रहा। अब मैंने लिखा ये क्या है, ये टॉप के लिए, तो मैंने बोला कि टॉप से 20 पिक्सल खसक जाए, आया नीचे। ये क्या है, बॉटम, बॉटम छोड़ो, लेफ्ट, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो लास्ट वाला राइट लेफ्ट है, ये देखो यहाँ से भी 20 आया,
हो रहा है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, अगर मैं सपोज ऐसा देता तो ये हो जाता टॉप बॉटम, ये हो जाता राइट लेफ्ट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20 इंक्रीज हो गया होगा, यहाँ पे 20 इंक्रीज हो गया होगा, यहाँ पे 20 इंक्रीज हो गया होगा, यहाँ पर भी 20 बन गया होगा। मतलब अगर इसके बाद कोई डिप बनाओगे तो वो इसके 20 के बाद से स्टार्ट होगा, और यहाँ नीचे बनाओगे तो इसके यहाँ से डिस्टेंस लेगा क्योंकि उसने यहाँ कवर अप कर लिया है, ठीक है। और अगर आप ऐसा दे रहे हो तो ये चारों साइड के लिए है, 20 20 20 20 चारों साइड के लिए, ठीक है। और अगर मैं ऐसा देना चाहता हूँ, मैंने हटा दिया, सिंपली क्या डिफाइन किया, मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ गया, मार्जिन लेफ्ट से खसक गया। ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, या फिर अगर मैंने ऐसा बोला सिंपली सिंपल मार्जिन दिया, मैंने बोला कि टॉप से तो 100 पिक्सल आ जाए, वो 50 पिक्सल आ जाए, और लेफ्ट राइट से ये ऑटो रहे, मतलब जो राइट और लेफ्ट का डिस्टेंस है वो इक्वली डिवाइड हो जाए, तो बीच में हो गया, राइट लेफ्ट का कोई उसने ध्यान नहीं दिया, उसने ऑटो अरेंज कर दिया और उसने यहाँ से हम उनको 10 दे दिया, समझ में आ गया। तो ये 50 जो है वो यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ होगा और यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ होगा, टॉप बॉटम के लिए था और लेफ्ट राइट के लिए ऑटो किया था, समझ में आ गया। तो इस तरीके से मार्जिन देते हैं। अब पैडिंग का देखो क्या बताता हूँ, इसमें मैंने क्या किया, कुछ पैराग्राफ्स लिख दिया, बाहर निकल रहा है, तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट को मिनिमम कर देते हैं, ये हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है ये इस बॉर्डर से डिस्टेंस ले ले, बोले देखो बिल्कुल टच में है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अंदर साइड से स्टार्ट हो, तो मैं इसी में क्या डिफाइन करूँगा, पैडिंग। अगर मैं यहाँ पैडिंग लगा दिया, मैंने लिखा पैडिंग 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, तो होगा क्या, तुम सोच रहे होगे कि अगर इसको 10 20 लगा दिया तो ये टेक्स्ट अंदर हो जाएगा 20, एक्चुअली टेक्स्ट वहीं रहेगा, इस डिव का साइज चारों तरफ से 20 20 बढ़ जाएगा, टेक्स्ट वहीं रहेगा, 20 20 चारों साइड से बढ़ गया। तो हम अगर यहाँ ऐसा लगाएंगे तो ये हमको दिक्कत क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैसे, क्योंकि अगर हमारे और भी डिव होंगे तो उनको भी खसका देगा ये, तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो हम पैडिंग कभी उस डिव में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पैडिंग लगाएंगे कहाँ, अगर हमको टैक्स को हटाना है, बाकी डिव का साइज वही रहने देना है, सिर्फ टैक्स अंदर हो जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, आप देखोगे कि यार इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ भी तो है, तो आप ऐसे बताओगे कि हैश हेडर के अंदर जो पी है, ठीक है ना, ये हमने बताया कि हेडर के अंदर वाला पैराग्राफ टैग, उस पर हमने क्या लगाया, पैडिंग। अब आप दोगे ना तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा, सिर्फ हाइट बढ़ेगी, देखो साइज वही है, सिर्फ हाइट बढ़ रही है और सभी जगह से 20 20 गैप ले रहा है, तो हम अगर 50 भी देंगे ना यहाँ पे तो भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाइट इंक्रीज होगी। तो आपको हमेशा पैडिंग कहाँ लगानी है, उसके अंदर वाली चीज़ पे, ना कि उस पर्टिकुलर डिप पे। डिप पे लगा दिए तो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ा देगा वो, और अगर अंदर वाली चीज़ पे लगाया तो पर्टिकुलर उसको ही अंदर साइड करेगा और हाइट बढ़ाते जाएगा डिप की, विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, समझ में आ गया पैडिंग, ठीक है। क्या है,